हो गया। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। पता आपको ठीक है ना, हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, तो आप इसका ध्यान रखें। अब देखिएगा इसमें आक्रमकता, अग्रेशन क्या कहते हैं हम, आक्रमकता, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और ये देखो अग्रेशन कुछ में देखो आप होता क्या अग्रेशन, दिस इज एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर। मतलब एक फोटो से क्या होता है, इमेज से आप उस कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हो, क्योंकि जब भी आप अग्रेशन को लिखोगे, आप अग्रेशन के बारे में आप पढ़ोगे, तो आपको ये इमेज दिखाई देगी बार बार, एंड इट विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अग्रेशन, आपको मदद करता है। क्लियर हो गया, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, हम देखते हैं इसमें कि अग्रेशन होता क्या है, इसका मीनिंग पहले हम देखेंगे। पहले भारतीय जो साहित्य की जो परंपरा है उसमें अग्रेशन क्या होता है उसको आप सुनो, जो हमारा पारंपरिक साहित्य है उसमें बताता है कि अग्रेशन क्या होता है, आक्रमकता क्या होती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या पहुंचाने की इच्छा रखना। ठीक, तो हमारा साहित्य में क्या बताता है कि नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना तो है, उसके साथ साथ जानबूझकर शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के माध्यम से स्वयं खुद का और दूसरों के आंतरिक वातावरण में अशांति का कारण बनना, इसका मीनिंग बताता हूं आपको मैं। मान लिया जाए आप स्वयं कोई ऐसा काम करते हैं, फिजियोलॉजिकल काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, साइकोलॉजिकल काम करते हैं, जिसके माध्यम से आपकी स्वयं की शांति भंग होती है और दूसरे की भंग होती है, ये भी एक आक्रमकता है। हो सकता है कि दूसरे पर चोट पहुंचाना है, चोट पहुंचाने की इच्छा रखना, उसके साथ साथ स्वयं की शांति को भंग करना, अगर किसी कारणवश किसी व्यवहारवश आपकी अपनी शांति, अपने मन का जो पीस है वो डिस्टर्ब होता है, दैट इज ऑल्सो अग्रेशन विच हैज बीन डिफाइंड बाय इंडियन ट्रेडिशनल लिटरेचर, भारतीय पारंपरिक साहित्य ने इसको ऐसा बताया। क्लियर, ठीक, लेट अस सी। दूसरों को चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने के लिए विचारों, इच्छाओं और शब्दों का उपयोग भी आक्रमकता ही कहलाता है। अब इसमें विचारों से तो हम चोट पहुंचा सकते हैं किसी को, शब्दों से पहुंचा सकते हैं, इच्छाओं से हम कैसे पहुंचा सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है, विद द हेल्प ऑफ आवर नीड्स, हमारी इच्छाओं के माध्यम से हम दूसरे को किस प्रकार से हम आक्रमकता या नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे, कैन यू नॉट टेल मी, बताओ। जैसे हम भी चाहते हैं वो दूसरे की वो हमारी इच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बताया है, बिल्कुल सही जवाब दे उन्होंने कि किस प्रकार आज के पेरेंट्स, आज के माता पिता अपने स्वयं की इच्छाओं को बच्चों पर थोप देते हैं। वह देख हर बार ऐसा होता है, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश है, जो बच्चा खेलना चाहता है जबरदस्ती खिलाते हैं, और पढ़ने में बच्चे को इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मान लिया दसवीं में मेहनत करके उसके 90% नंबर आ गए, तो माँ बाप का पहली च्वाइस है कि साइंस दिला दो, होता रहे ना, अब 11 रुपए साइंस उसको समझ में नहीं आता, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, और इस तरह से अपनी इच्छाओं के माध्यम से हमारी पारंपरिक जो साहित्य है वो ये कह रहा है कि ये भी एक तरह से अग्रेशन है, ये भी आक्रमकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये, तो इंग्लिश किसी को रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, आई डोंट थिंक किसी को है, लेट अस सी इसका अर्थ समझे, आक्रमकता का अर्थ क्या होता है। अब तक आप समझ गए होंगे लिटरेचर की बात की हमने, और किस तरह से मैंने आपको इमेज दिखाई थी, क्रोध, एंगर या घृणा की भावना। देखो क्रोध की भावना हो, आपको किसी के प्रति घृणा की भावना हो मन के अंदर ही कि उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, ये जो मन में आते हैं ये, या कार्य, दोनों चीजें इसमें, आप अपने मन में भावना रखना या ऐसा कार्य करना जिसके परिणाम स्वरूप शत्रुतापूर्ण या हिंसक व्यवहार होता है। दुश्मनी का व्यवहार होने, आपके मन में कोई भावना है, कोई इच्छा है, या ऐसा कोई काम जिसके कारण से किसी के साथ दुश्मनी हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो है आपका आक्रमकता का, किसी भी आक्रमकता का ही अर्थ अग्रेशन। हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आगे समझाएंगे, तथा हमला करने या हमले का सामना करने की तैयारी को भी आक्रमकता कहते हैं। ये बात तो सही है, हमला करने की तैयारी को हम अग्रेशन कहते हैं, लेकिन हमले से बचने के लिए उसी अगर हम तैयारी करते हैं वो क्या है, वो आक्रमकता कैसे हुई बताएगा भाई। आप हमले की तैयारी कर रहे हो, उसी पर लठ मारने की तैयारी कर रहे हो, वो तो आक्रमकता है, कोई लठ खाने से बचने के लिए जो तैयारी करता है उसकी वो आक्रमकता कैसे हुई, और अग्रेशन तो मानते, बताओ बताओ,
सर में कभी मार देता है जो अगला बंदा गुस्सा दिला रहा है तो अपने अपने अंदर भी गुस्सा आएगा। तैयारी कैसे हुई? दो युद्धों के बीच में अगर दूसरा देश देश को युद्ध कर रहा है तो दूसरे को तैयारी करने में बिल्कुल ये बात सही है कि हमारी रक्षा सेवाएं जैसे बता रहा है कि डिफेंस सर्विसेज रक्षा सेवाओं की तैयारी करना, उनको तैयार करके रखना, ये पता नहीं कब आगे लटमार दे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम रक्षा सेवाओं की तैयारी ना करें, हमने फौज को तैयार ना रखे, इसका मतलब ये नहीं है, बट इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एग्रेशन, इसको भी आक्रमकता कहते हैं। ये देखो इमेज देखिए, आप लोगों ने कहीं देखी होगी ना, महाभारत में, रामायण में, सत्य में, ये कृष्ण की बलराम की दो आपस में, उधर बलराम दिखाए हैं, कृष्ण दिखाए हैं, एक अखाड़े में इनको दिखाया गया है। दिस आल्सो डिपिक्ट्स, यानी कि इसको हम देखेंगे स्पोर्ट्स में, गेम्स के अंदर भी अग्रेसर होता है। देखा आपने अग्रेसर, आप सब जानते हो विराट कोहली को, किसी कैच पकड़ लेंगे तो किसी रन आउट कर देंगे तो पता नहीं क्या क्या चिल्लाते हैं, कितना उछल कूदते हैं, जो शर्ट निकाल के घुमाते हैं, वो सौरव गांगुली लॉर्ड्स में किया गया था वो, बट इट वॉज था जिसका वो इंटरेस्ट था, जो अग्रेसन था किसी पर्पज के लिए किया गया था, उसके पीछे कोई स्टोरी थी, वो पहले निकाला था इंग्लैंड में यहाँ पे जी सीबीसी वो वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े में या कोलकाता ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, दे हैव डोनेटेड समथिंग, उन्होंने ऐसी की थी तो उसका उन्होंने, चलो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू, हमें इस पर डिस्कशन नहीं करना है, बट आपने देखा हर गेम में अग्रेसर होता है, बॉक्सिंग वालों को देखा हो ना, तो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हो सारा दिन आप ही रहते हैं, मार देंगे तोड़ देंगे सारा दिन, दिमाग में चलता रहता, दैट इज इंटरनल उससे अग्रेसर निकला रहता है, ये दिखाया मैंने आपको, यानी स्पोर्ट्स में भी अग्रेसर होता है। अब आप देखिए, अब इसकी परिभाषा को देखिए, अभी मुझे आशा है इससे पहले आपने दो इमेज देखी, इसका अर्थ समझा और भारतीय पारंपरिक इतिहास साहित्य में आपने इसको पढ़ा, अब तक मुझे लगता है एग्रेसन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको परिभाषा क्या है, एक ऐसा व्यवहार जो लोगों यानी व्यक्तियों या प्राणियों, कुत्ते को पत्थर मारना चाहते जलते, कई बार करते ना बच्चे, हाँ, और कुछ नहीं होगा वाले किसी पड़ोसी की भैंस खड़ी हुई पूछ पड़ खींचते हो, हाँ कुत्ते भी मारते हैं और कई बहुत सारा है, सत्य से पत्थर मारते हैं दूसरे को परेशानी हो, बट इट इज आल्सो टाइप ऑफ अग्रेशन, लोगों या प्राणियों के लिए दोनों वैज्ञानिक ये शारीरिक नुकसान का कारण बनता है, ठीक है, एक ऐसा व्यवहार जो कारण बनता है, या तो प्रतिशोध की भावना से किया जाता है बिना किसी उत्साह के, दो चीज होती है इसके अंदर अग्रेशन, दो कारण से होता है मुख्य रूप से, या तो किसी बदला लिया जाता है या बिना उत्साह किया जाता है, बिना उत्साह कैसे होता है, रोज की बात है, आप कभी देखते हो जाते जाते किसी ने कुछ कर दिया, लड़ाई झगड़े वाली बात आती है आपके घर पे, या आपने जो है कुछ खाया पिया और बच्चे छिलके पोते बाद पड़ोसी घर, इससे क्या होगा, बिना उत्साह उत्तेजना के उत्तेजित अराउजल, ठीक है, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एग्रेशन, आक्रमकता एक ऐसा होता है जिसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, रिचर्डसन ये बैरन और रिचर्डसन एक परिभाषा देते हैं, बड़ी आसान सी परिभाषा है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो आप, केवल यह सुनने से आपको याद हो जाएगी, बैरन और रिचर्डसन क्या कहते हैं, अग्रेशन क्या है, आक्रमकता क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना जो नुकसान से बचना चाहता है, समझी हाँ, इतनी ही बात कहते हैं, आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है जो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देना चाहता, ये परिभाषा कितनी आसान, समझ में आ गया आपको, बैरन एंड रिचर्डसन कहते हैं कि आक्रामकता वो है ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, ऐसा व्यवहार जो वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई नुकसान होने देना नहीं चाहता है, आपकी इंग्लिश में थी, नाउ लेट अस सी इसकी प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अग्रेशन, आक्रमकता की प्रकृति क्या है, आक्रमकता में एक ही प्वाइंट है इसमें मुख्य रूप से, नुकसान या हानि पहुंचाना या हानि पहुंचाने की इच्छा रखना, ये तो सेंट्रल थीम है, समझ गया एग्रेशन क्या थी, किसी को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हो या उसकी इच्छा रखते हो, दोनों तरह से आपको आक्रमकता कहलाया जाएगा या अग्रेशन कहलाया जाएगा, आक्रमकता से होने वाला नुकसान मानसिक या शारीरिक हो सकता है, मानसिक नुकसान कैसे होता है, आपका पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, मान लिया जाए आपको किसी ने कुछ बात कह दी, कोई ऐसी जो मन में आपके ठेस लग गई उससे क्या होगा, और
किसी मान लिया सपोज किसी ऐसे बड़े ने कह दी, टीचर ने कह दी, मैं नहीं कह दी, अब आप मेरी बात तो कह दी आपकी, लेकिन मैं भूल गया, पर आपके मन में यार सर को कुछ कह भी नहीं पाया, मैं कह भी नहीं सकता और अच्छी बात नहीं कही सर, डायरेक्ट की वो आपके मन में ना बार बार विचार आता जाए, ऑब्सेशन हो जाएगा, क्या और कुछ ध्यान लोगे तो वही बात आ जाएगी, आप समझ रहे चीज को, ये मानसिक नुकसान हो सकता है। कई लोग सो रहे हैं शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से, कृपया करके यही आ जाए, लेकिन नुकसान आखिर होता है। मानव व्यवहार के कई सारे तत्व से एक तत्व होता है, मानव व्यवहार क्या क्या और भी तरह के, हम हमारी इमोशन सबके अलग अलग से, खुश होना है, नाचना कूदना है, होता है ना, भोजन करना है, ये सारे व्यवहार मानव व्यवहार के तत्व है, हमारी इच्छाओं के अनुसार हम काम करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक तत्व आक्रमकता है। ठीक है, अब आगे देखिए ऐतिहासिक साक्ष्य हिस्टोरिकल प्रूफ हमें दिखाते हैं कि मानव और प्राणी भी शुरू से ही आक्रामक रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, आप इसका भी चैनल पर अदर चैनल पर देखते हो कि किस प्रकार से जानवरों के बीच में अग्रेसन दिखाई दिया। ठीक है, आदमी तो लड़ते हैं कि हमें प्रॉपर्टी जमीन रिसोर्सेज धन दौलत चाहिए, ठीक है, दो हिरण लड़ते हैं फालतू, पूरा जंगल बड़ा घास का और थोड़ी थोड़ी जगह लेते फाइट की दी, ठीक है ना, वो भी अग्रेसन है, देर में उनके लिए भी अपना कारण होता है, वो घास के लिए लड़ रहे हैं, कोई कोई प्रभुता के लिए, कोई कोई उनका अपना कोई रीजन के लिए लड़ते हैं, बट इसके लिए समवेयर दे फाइट फॉर समथिंग, ठीक है, दैट इज आल्सो अग्रेसन। अब आप देखिए आक्रमकता प्रदर्शित करने वाला एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, यानी जो अग्रेशन है एक व्यक्ति भी कर सकता है और एक पूरा समूह भी कर सकता है, एक व्यक्ति का तो आप समझते हो, समूह का आप देखते हो ना ग्रुप बिहेवियर, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ में कोई बीच में जो आदमी कहता है मार इसके, बिल्कुल सोचा तोड़ दो इसको, मारो पत्थर उठा लो, तो क्या होता है एक ने बीच में धीरे से बोल दिया, वो तो निकल गया वहां से बोल के भीड़ भाड़ में, और जो भीड़ वाले थे एंड देयर इज अ कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ दैट एग्रेशन, इकट्ठा होते होते फिर वो मारने लगते हैं तो पता नहीं चलता कितने काम आ रहे, कोई मैं भी मार गया हूँ, लोग चाहते हैं मैं भी हाथ से ही लेता हूँ, पीपल टेल लाइक दैट माने से हैव यू सीन, कई बार वीडियो जाती है, कई बार इंसिडेंट आते हैं, कई बार जब भीड़ इकट्ठा होती है करते तो लगा लो आग, ये यूज करते हैं, उसके बाद तो लोग माचिस निकाल के लगा ही देते हैं, ये है समूह में एग्रेशन इन ए ग्रुप, यानी समूह में किस तरह से आक्रामकता होती है, ये बात देखो आप इसमें, आक्रामक जो व्यक्ति होता है, जो अग्रेसर होता है या अग्रेशन करने वाला व्यक्ति होता है, उसके मन में ये विश्वास होता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा दूंगा और मेरे बात से नुकसान होगा, ठीक है, और लक्ष्य आक्रामक व्यवहार से बचने के लिए प्रेरित होता है, आप जिस व्यक्ति को अग्रेसन का निशाना बनाना चाहते हैं वो व्यक्ति उसको लक्ष्य कहा गया है, ठीक है, जो व्यक्ति अग्रेसिव होता है वो तो ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाना, और जो लक्ष्य होता है वो किसी भी कीमत पर उस नुकसान से बचना चाहता है, मोटिवेशन, ठीक है, जैसे कल मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था, इफ यू आर रनिंग, आप भाग अच्छे से भाग रहे हो और सामने से कोई जी बुलेरो वाला आ रहा है, ठीक है, आप जोर में सुबह रनिंग कर रहे हो, बुलेरो वाला आ रहा है और आप देख रहे हो दूर से दूर लगे आपके अंदर जा रहा है, क्या होगा, यू आर मोटिवेटेड, सामने इतनी बड़ी बाड़ लगी हुई है, कांटेदार तार लगे, ठीक है, और उधर खड़ा है ट्रक, एंड दैट हैज कम जस्ट आपके सामने आ गए, इमीडिएट आपको प्रतिक्रिया करनी है, जैसे कल मैंने बताया था इमरजेंसी सिचुएशन में प्रतिक्रिया करनी होती है, क्या करोगे आप यू आर मोटिवेटेड इनफ कि आप से बाढ़ लगे और तार लगे, पहले बुलेरो से बचो, पहले उसमें दम मारो, ट्रक पे चढ़ जाओ, कैसे समझे उससे पर्सन वो होते ना मोटिवेशन, मैंने बताया था भोज में जब 2000 में वो आया था भूकंप आया था, तो अगर मैं किसी लड़की को कहूं को दीवार में चढ़ना, ना ना सर ना अपने को भाव देखो, मैं कहीं देखो नहीं चढ़ पाएंगे दीवार में, भुज में तो भूकंप आया 2000 में एक महिला साड़ी में 7 फीट की दीवार पर अपने लड़के कूद गई छम से, क्योंकि हाँ इतनी देर हमारे गांव की थी, चीज फ्रो और मिले जब जब भी मिलते थे बड़ा मजाक उड़ाते हैं, इसमें कूद के थनाई डोले से कूद के दिखाइए, बोले तेरे को मजाक बढ़ता है बोल, क्योंकि भी अब खुद बताती है कि 7 फुट की दीवार देखो आप अपने लड़के को लेकर साड़ी पहनी थी छम से गई उधर, क्योंकि शिवा सिंह उदय गई थी बिल्डिंग ऐसे नहीं रही कभी नहीं सकती, और उसके निकलते ही कुछ 5-7 सेकंड के बाद बिल्डिंग गिर गई, मुझे भूकंप था बहुत खतरनाक भूकंप था, मैं याद होगा 2000 नाउ सी वो कहां से मोटिवेशन, दैट वाज अ मोटिवेशन, उस स्थिति से बचने के लिए भाई बिल्डिंग चलो अग्रेसर है, प्रकृति एक तरह से आक्रामक व्यवहार कर रही थी उस समय, तो उससे बचने के लिए लक्ष्य कौन था वो महिला था, एंड सी जंप और 7 फीट वॉल, ठीक, अलोंग विद फॉर योर बेबी, ठीक, तो ये है आपका, ये बात को कहते हैं बुशमैन और एंडरसन ने बताई है, नेक्स्ट सी ये आपका इंग्लिश में है,
अप्रभुता विभिन्न तीव्रता के साथ उम्र आबाद क्रम पर पाई जाती है। ये उम्र आबाद क्रम क्या होता है भाई, पता सकता कोई? उम्र आबाद क्रम क्या होता है? मतलब उम्र के साथ करना उम्र आबाद क्रम बताओ क्या होता है? बच्चों में कम होगी थोड़ा। देखिए आपने वो एक इमेज देखी होगी, हमारे हिंदू लिटरेचर में एक इमेज आपको हमेशा दिखाई जाती है कि किस प्रकार एक छोटा बच्चा है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर होता है, फिर वो बिल्कुल बनने की प्रकार स्थिति देखी आपने, पिक्चर देखी नहीं? यू विल फाइंड एवरी वेस्ट लाइक पिक्चर। हाँ, छोटा बच्चा फिर बड़ा बड़ा जैसे, यानी बचपन से लेकर अंत तक, उसको बोलते उम्र आबाद क्रम। अब किसी से पूछा, किसी शायर से किसी ने कि जिंदगी क्या है, तो शायर ने जवाब दिया, माँ की कोख से चिता तक का सफर ही तो जीवन है। भाई हम तो अकेडमिक्स वाले तो इतने बड़े वो नहीं है कि इतनी बड़ी बात कहें, बट किसी शायर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दर्शन होगा, फिलोसफर होगा, माँ की कोख से लेकर चिता तक का सफर ही जीवन है। समझे आप चीज को? और वही आभा क्रम है, इसको कॉन्टिनम कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कॉन्टिनम। तो आक्रमकता की जो तीव्रता है बचपन में से लेकर बुजुर्ग लोगों तक, तीव्रता जो होती है आक्रमकता की, उस सभी में वो आक्रमकता या अग्रेशन पाया जाता है। पुरुषों और महिलाओं में आक्रमकता की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति होती है ना, अलग अलग तरीके से। यह आप एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको कि जब भीड़ होती है, जब पुरुषों की भीड़ होती है तो उस समय पुरुष जो है ज्यादा आक्रामक होते हैं, लेकिन जहां महिलाओं की भीड़ होती है उस समय भीड़ में महिलाएं, जब महिला में इकट्ठी भीड़ होती है, अकेले ज्यादा लेडीज अकेले रहेंगी, उस समय वो आक्रम के बारे में कम होता है। आपको पता है इस चीज का? इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। अगर गर्ल्स ज्यादा इकट्ठी है, 8-10-20 इकट्ठी है, लड़के इकट्ठी है, तो आक्रमकता उनके कम होगी, और वही 8-10 लड़के अगर इकट्ठे हैं तो उन्हें अग्रेसिव ज्यादा होगा। ये रिसर्च के बाद देख पाएंगे, अगली से अगली क्लास आएंगे उसमें डिस्कस, किसने आया था ये बताऊंगा, या नहीं बता या टाइम लग जाएगा। यह अब किन किन कारणों से एग्रेशन, किन कारणों से? व्यक्तिगत कारण है ना, पर्यावरण, व्यक्तिगत कारण क्या हो सकते हैं बताओ? एग्रेशन रोज पेट में दर्द हो रहा है, गुस्सा आ जाएगा, मरे में कुछ तो होता है एग्रेशन, व्यक्तिगत कारण। पर्यावरण, पर्यावरण से पता ना, बहुत तेज गर्मी होती है, और यहां पर आप बैठे हो और मैंने फिर भी अपसेट लगा दी, आपने ये बोला था कि तेज गर्मी पंखे भी चल रहे हैं, मुझसे से आप आए हो फिर अपसेट लगा दी, यू फील अग्रेसिव, क्या समय नहीं मिला, ये हो गया पर्यावरण। जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, आपके अंदर के जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ड्रग अब्यूज का भी कारण होता है, लोग ड्रग्स लेके थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, दैट इज एनस्थिति कारक, सिचुएशन आराम से बैठे हुए हो, काटी ने काट लिया, पहले दर्द होगा उसको मार के पापड़ बना दोगे हाथ से ही, और सिचुएशन आ गई, स्थिति आ गई आपकी, सब तो सिचुएशन यू फेल कि आपको गुस्सा आ गया, तुमसे अग्रेसिव हो गया ठीक है। आप उसको रोकना कैसे है? मरो सामाजिक और कानूनी संसाधनों से, साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, कुछ रीजन है, सोशल रीजन है, और लीगल कानून के माध्यम से अग्रेशन को रोका जा सकता है। लेकिन एक बात बता दो आपको मैं, अग्रेशन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उसको मानव व्यवहार से कभी भी समाप्त नहीं, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर। वही क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का एक कॉम्पोनेंट होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। अब आप कहो कि जिस प्रकार हम बर्फी बनाएंगे लेकिन बिना दूध की नहीं बन सकती, उसे नहीं हटा सकते आप, इसी प्रकार से इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिहेवियर, एक कॉम्पोनेंट है, और इस चीज को कभी भी समाप्त नहीं किया सकता। यह क्रोध या शत्रुता व्यक्त करने ये किस लिए किया जाता है? अब अगला पॉइंट आता है कि क्यों अग्रेशन, हम आक्रामकता दिखाते हैं, मानव क्रोध दिखाने के लिए, शत्रुता किसी दुश्मनी मोल लेने के लिए, पर बुद्ध अपना राज जमाने के लिए, कॉलेज में होता है ना, जो तरह होते हैं बदमाश टाइप के लड़के होते हैं कॉलेज में, है अपने आप ही किसी को ज्यादा थप्पड़ मार देंगे, बोलना नहीं है ऐसे बोलो, इससे क्या होता 10-20 लोग और देखने वाले बने, इससे बच के रहो, ठीक है। ये प्रभुत्व जमाना होता है, भय या दर्द की प्रतिक्रिया, टाटी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, डर की प्रतिक्रिया या भय की स्थिति में भी आपके अग्रेशन की संभावना होती है, और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, जब हम दूसरों के साथ कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, आप स्पोर्ट्स में देखेंगे, उस समय भी आपके अंदर एग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये चेरी ने उन्होंने बताया हुआ है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अग्रेशन,
जो हमने बातें करी उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, उत्तेजना की एक उच्च स्थिति होती है हाई अराउजल, आप पूरी तरह से उत्तेजित हो तो अग्रेसिव हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आक्रामकता का मुख्य आशय क्या होता है, तो कभी अग्रेसिव हो गया आप किसी का फायदा कर सकते हो नहीं, नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। तो कई बार गुस्से में आके लोग कीबोर्ड को फेंक देते हैं, मोबाइल को फेंक देते हैं, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा तो लात मारते खींच के, चाहे चोट अपने लग गए, कई बार गैस स्टार्ट नहीं होती लाइटर को टक से मारते हैं उसे पट, देखा ना कई बार लड़की साथ ऐसा होता है गैस लाइटर स्टार्ट नहीं हो रहा पट पट करते धड़ पता लग लाइटर टूट गया उसका मेरे नुकसान क्षति या चोट पहुंचाना होता है। अब ये नुकसान कैसा हो सकता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल और बता रहा हूं आपको, आपके कॉलेज में हर साल 100-150 बेंच रिपेयर होते हैं, किसने टूटते हो अग्रेसन से टूटते हैं, कब एग्जाम टाइम में लिख रहा धीरे नहीं आ रहा कुछ धाड़ मार दिया उसको पीछे को बैठे बैठे तीन चार पेज ही बोल दिया टाइम है आज रात कुछ तो करना है मैं जब एक्सप्रेशन ऑफ योर अग्रेसन समझा हुआ इसको किसी टूटते आमतौर पर इसकी व्यक्ति किसी इनसे कार्रवाई से पहले होती है, जब भी कोई आदमी लड़ाई झगड़ा करने जाता है उससे पहले आदमी अग्रेसिव होती है ना, ऐसा प्यार से गुस्सा हो कोई प्यार से गुस्सा हो कोई नहीं होता ना उससे पहले अग्रेसिव उसके अंदर आता है उसके बाद कोई इनसे कार्रवाई करता है, ठीक है। यह मौखिक मौखिक क्या होता है बोल के, अगर आपको बता दूंगा अगर मैं आपको कहता हूं तुम गधे हो ये भी अग्रेसिव है, क्यों क्योंकि मौखिक है सर आपने गधा कैसे कहा अरे भैया ऐसी कह दिया, ठीक है। अगर आप जवाब देते हो कि सराब ने कहा गए तो मैं ऐसे ही कह दिया लेकिन ठीक है अब नहीं कहा तो काम बन गया। ये है मौके शत्रुता पूर्ण आप उसको नहीं मोल लेके अगर मैंने बोला होगा सर इसलिए आ गए भाई दिखा दे अग्रेसिव होने वाले बच्चे शारीरिक या सेकेंडरी रूप में हो सक्ती है ये इसका है। और आक्रामकता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, ये क्या चीज है भाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट आपके सामने है लड़ाई झगड़ा हो गया अप्रत्यक्ष बताओ बोलकर होता है ना बोल कर रहे हैं घर पे आ जाओ छोड़ूंगा नहीं देखो यही कर रहे हो उंगली ला रहे हो अरे बोल पे करते ना मारूंगा एक थप्पड़ खींच के चाहे 100 किलोमीटर दूर बैठा हो दो को देखा भी बात करते हुए कभी जब फोन में बात करेंगे तो ऐसे करते हैं हाँ किसी को रास्ता भी बताते हैं ना कहा यहाँ ऐसा कर रहा हूँ उधर से मुड़ जाना ऐसे अरे हाँ इधर से मुड़ जाना उधर ऐसा होता है बार तो ये होती है आपकी एयर प्रोटेक्स ये मुड़ने वाली बात अग्रेसन नहीं है मैंने एग्जांपल दिया हूं किस तरह से नाउ नेक्स्ट ये यहां पे रिफ्लेक्स ये कहां से मैंने लिया इस स्लाइड देखने को आप लोग बड़े बेताब हो रहते हो बेताब नहीं रेफरेंस है कहां से मैंने सारी ली है कुछ किताबें या कुछ वेबसाइट से मैंने इसको लिया है। अब मुझे बताओ कोई प्रश्न आपका इसका मीनिंग